इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम रोबोलेक्स के अंदर अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन हमारा लगता रहता है बट उस पर हम ईमेल मंगाते हैं बट वो हमारा ईमेल जो है हमें रिसीव नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ईमेल हमेशा आपके जीमेल के अंदर आएगा, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ से ठीक होगा, इनेबल होगा और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, और आपने इसको अकाउंट को ऐड कर रखा होगा तभी आपके पास मेल आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जीमेल का अकाउंट जो है लगा हुआ है, मेल हमें आ रहे हैं, बट क्या है कि हमें ये वाला मेल नहीं आ रहा है। तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए, सबसे पहले तो उसमें हमें प्ले स्टोर में जाना है और दोनों एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट कर लेना है। सबसे पहले जीमेल को कर लेना है, अगर इसमें अपडेट आ रहा हो तो इसमें अपडेट कर लीजिएगा, और फिर रोबोलक्स को भी सर्च करके अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैक ला दीजिएगा और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और जीमेल को यहाँ से सर्च कर लेना है, ठीक है। जीमेल को सर्च करेंगे, इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रिक डेटा यूसेज लग रहा होगा, तो सब पर टिक करके ओके कर देना है। ऐप परमिशंस पे जाकर सारी परमिशंस को यहाँ पर ऑन कर देना है, खास करके फाइल्स एंड मीडिया की। फिर बैक लाना है, यहाँ से बैक ला देना है, बैक ला देना है, बैक ला देना है, और मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पर अकाउंट्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है गूगल पर जाना है और वहाँ से हमें जो है अप कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें जीमेल को यहाँ पर रिफ्रेश मार देना होगा। जैसे हम जीमेल को रिफ्रेश मारेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।